आसमान से गिरती बर्फ, सड़क पर फिसलते कार के टायर, बर्फ के बीच से बचकर निकलते लोग, रूस की सड़कों पर सबके बीच बर्फ को हटाने की कोशिश करते इंसान और मशीनों की तस्वीरें रूस के पूर्वी इलाके की। इलाके में बर्फ हटाने के लिए एक नहीं कई मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन गिरती बर्फ के सामने हर कोशिश बेकार साबित हो रही है। यह हालात उस समय के हैं जब तेज बर्फीले तूफान का असर उस हद तक कम हो गया है, लेकिन आसमान से लगातार गिरती बर्फ और सड़क पर हर तरफ मौजूद बर्फ का अंबार इस बात की गवाही दे रहा है बर्फीला तूफान कितना खतरनाक था। मंगलवार को आए बर्फीले तूफान का असर रूस के पूर्वी इलाके में काफी जगहों पर दिखा है। करीब करीब हर शहर में ट्रैफिक ठप हो गया है, जहाँ लोग थे वहाँ फंस गए। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने फौरी कदम उठाते हुए हाईवे के कुछ हिस्सों को यात्री वाहनों के लिए बंद कर दिया। इस बीच सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। रूस की सरकारी मीडिया में खाबरोवस्क शहर में सड़कों पर ट्रैफिक जाम की तस्वीरें दिखाई दी। फिलहाल लोगों को अभी भी बर्फीले तूफान से बचने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आगे भी बर्फबारी चेतावनी जारी की गई।